Hey guys, in the last session we have seen numerical on plastic moment and section plastic section modulus. Okay, and now in this session we will see the different classification of members. Okay, so we will see classification of क्रॉस सेक्शन. अब होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर है वो किसी ना किसी तरह फ्लैट प्लेट से बने होते हैं. सो वी कैन से डेट मोस्ट स्ट्रक्चरल मेंबर इधर हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड आर कंपोस्ड ऑफ फ्लैट प्लेट एलिमेंट. जैसे आई सेक्शन, ठीक है, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन. तो वी कैन से डेट कि ये जो आई सेक्शन है इसका ये पोर्शन इट इज वन मेंबर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एलिमेंट. दिस इज अनदर वन विच इज अ फ्लैट प्लेट एंड दिस इज द थर्ड वन. सेम लाइक डेट इन चैनल सेक्शन, ठीक है, सेम लाइक डेट इन एंगल सेक्शन. तो ये हम लोग कह सकते हैं. अब इस केस में, इन तीनों के केस में ऐसे और भी हैं, ठीक है, इनके केस में अब क्या हो सकता है, जो भी मेरा फेलियर है वो क्या हो सकता है, एक जो ये पूरा स्ट्रक्चर फेल करे, ठीक है, स्ट्रक्चर फेल एज होल और एनी लोकल फेलियर. ठीक है, तो दो टाइप से फेलियर हो जाएगा. क्या स्ट्रक्चरल मेंबर फेलियर एज होल, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लोकल मेंबर फेलियर. लोकल मेंबर फेलियर मीन्स ये जो इंडिविजुअल पोर्शन है, दिस इंडिविजुअल पोर्शन, ठीक है, ये हो सकता है फेल हो जाए. तो इसके स्टेबिलिटी को हम लोग जब कंसिडर करेंगे तो वी मस्ट कंसिडर द लोकल प्लेट. ओके, सो फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर मस्ट include the consideration of local element or say individual element. ठीक है, now अब ये fail कैसे करता है, तो it may buckle ड्यू टू कंप्रेसिव लोड. अब ये जो मेरा लोकल बकलिंग है, ठीक है, ये जो मेरा लोकल बकलिंग होगा ये स्ट्रेंथ पे एडवर्सली इफेक्ट करेगा, ठीक है, और इसके जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वेदर इट इज कॉलम और बीम, उसका स्टिफनेस क्या होगा, घट जाएगा और स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर अफेक्ट तो हो रहा है, तो ये दो टाइप से अफेक्टेड हो सकता है. ठीक है, तो वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल
मे बी अफेक्टेड इन टू वेज। ठीक है, कौन कौन सा वे? तो फर्स्ट वन इज द बकलिंग मे लीड टू ओवरऑल फेलियर मेकिंग द प्लेट एलिमेंट इनइफेक्टिव। तो क्या है बकलिंग मे लीड टू ओवरऑल फेलियर। ठीक है, जिसके कारण ये जो प्लेट एलिमेंट है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ सेकेंड वन इज बकलिंग में प्रोड्यूस अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस एंड दस इन्फ्लुएंस द लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, और ये बकलिंग क्या कर सकता है कि ये इट कैन प्रोड्यूस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। तो ये दो इफेक्ट, मेजर दो इफेक्ट हो सकता है। क्यों? ड्यू टू बकलिंग ड्यू टू कंप्रेसिव लोड। ठीक है, बकलिंग अब क्या क्या हो सकता है कि इट में लीड टू ओवरऑल फेलियर और इट में प्रोड्यूस अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। ओके, नाउ अब जो लैटरल बकलिंग है, ठीक है, लैटरल बकलिंग और लोकल बकलिंग जो होता है, ठीक है, लैटरल बकलिंग और लोकल यील्डिंग मीन्स ये जो इंडिविजुअल मटेरियल इंडिविजुअल प्लेट है, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया। ठीक है, अब ये जब भी बकल करेगा या यील्ड कंडीशन अचीव कर लेगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लोकल बकलिंग। ओके, तो दिस फेनोमिनन इज नोन एज लोकल बकलिंग। ठीक है, अब इस लोकल बकलिंग को चेक करने के लिए हम लोग कुछ विद थिकनेस रेशियो स्पेसिफाई करते हैं। तो विद थिकनेस रेशियो, ठीक है, अब IS 800/2007 स्पेसिफाई सम विद थिकनेस रेशियो। इसको अगर हम लिमिट कर दें तो ये जो बकलिंग कंडीशन है ये भी अलग अलग मिलेगा। ओके, बाय IS 800/2007। अब इस विद टू थिकनेस रेशियो को लिमिट करके, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन किया गया है। ठीक है, तो एज पर टेबल 2 ऑफ IS 800/2007, ठीक है, तो बेसिकली जो भी जो क्लासिफिकेशन है उसको चार डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सो डेट्स आर, फर्स्ट वन इज प्लास्टिक, डेट इज आवर क्लास वन। सेकेंड वन इज कॉम्पैक्ट, इट इज क्लास टू। थर्ड वन इज सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट डेट इज क्लास थ्री। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज सिलेंडर, डेट इज क्लास फोर। ठीक है, तो ये चार क्लासिफिकेशन है, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम माइल्ड स्टील के
ग्राफ को कंसिडर करें। दिस इज एम वाई एंड लेट सपोज दिस इज आइडियल कंडीशन, ठीक है। तब इस आइडियल कंडीशन और से आइडियल बिहेवियर, ठीक है, तो ये जो आइडियल बिहेवियर होगा इट शोज प्लास्टिक, दैट इज क्लास वन क्लासिफिकेशन। अब कॉम्पैक्ट क्या है, तो दैट क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म बिफोर बकलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कॉम्पैक्ट में कि यहाँ प्लास्टिक मोमेंट तो डेवलप होता है, ओके, दिस इज आवर प्लास्टिक मोमेंट एमपी, ठीक है, इसमें प्लास्टिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी है वो सफिशियंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए बकलिंग से पहले प्लास्टिक मैकेनिज्म यहाँ प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पैक्ट, ठीक है। ऐसे ही सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर है। तो अब देखते हैं कि किस बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दीज आर क्लासिफाइड, ओके। IS according to 800/2007 there are some consideration to divide these four cross sections. So first consideration is the plate element of a cross section being thin and may buckle locally about their weak particularly due to compressive load. अब compressive load के कारण इसका जो weak element है, जो weak axis है, उसके about buckling हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के condition को avoid करने के लिए ही limit हम लोग करते हैं width thickness ratio का। Now second consideration is when plastic analysis is used, the member should be capable of forming प्लास्टिक हिंज विद सफिशियंट रोटेशन कैपेसिटी विदाउट लोकल बकलिंग, ठीक है। और सेकेंड कंसिडरेशन क्या है कि जब हम प्लास्टिक एनालिसिस यूज़ करें तो जो भी जो मेरा मेंबर होगा उस पर क्या हो, प्लास्टिक हिंज डेवलप हो, ठीक है।
और ये प्लास्टिक हिंज क्या करे, तो इट प्रोवाइड सफिशियंट रोटेशन कैपेसिटी, ठीक है, विदाउट लोकल बकलिंग। अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो मिरर जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, और से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो है वो मेरा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इट में क्या कर होगा इसे, तो इनहान मतलब मेरा जो स्ट्रेंथ है, मैं बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी है वो मेरा इन्हांस हो जाएगा, ठीक है, बिफोर फेलियर मैकेनिज्म। जो थर्ड कंसिडरेशन है, ठीक है, दैट इज व्हेन इलास्टिक एनालिसिस इज यूज्ड, द मेंबर शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग यील्ड स्ट्रेस अंडर कंप्रेशन विदाउट लोकल बकलिंग। अब तीसरा कंसिडरेशन क्या है कि जब हम इलास्टिक एनालिसिस करें, ठीक है, तो मेंबर शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग यील्ड स्ट्रेस। तो इसमें क्या हो कि ये जो मेंबर है वो यील्ड स्ट्रेस को अचीव कर ले विदाउट लोकल बकलिंग, मतलब लोकल बकलिंग ना होते हुए। तो ये तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या, जिसमें हम लोग बकलिंग अबाउट लोकल अबाउट वीक एक्सिस देखें, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये प्लास्टिक हिंज डेवलप हो टू बियर टू रेसिस्ट लोकल बकलिंग विच प्रोवाइड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। और तीसरा क्या है मेरा, इलास्टिक एनालिसिस जब हम करें उस पार्टिकुलर सेक्शन का, तो ये इट में प्रोड्यूस लोकल सॉरी इट में जनरेट यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, विदाउट लोकल बकलिंग। तो एक फैक्ट क्या है कि इस लोकल बकलिंग को हमेशा हमें अवॉइड करना है। जो भी मेरा केस है, ठीक है, उसमें हम लोग को बकलिंग को अवॉइड करना है। अभी तक क्या देखा कि अब इस तीन बेसिस पे हम लोग चार क्लासिफिकेशन करते हैं क्रॉस सेक्शन का, डेट इज प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर। सो क्रॉस सेक्शन क्या क्या था, फर्स्ट वन इज प्लास्टिक, दिस इज आवर क्लास वन। तो अब प्लास्टिक कंडीशन क्या है कि दिस आर द क्रॉस सेक्शन इन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड हैव द रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म। तो वी कैन से क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड हैव द रोटेशन कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ अ प्लास्टिक मैकेनिज्म। तो ये क्या है कि इसमें प्लास्टिक हिंज डेवलप हो, ठीक है, एंड हैव रोटेशन कैपेसिटी जो कि फेलियर के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।
अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा, अगर हम लोग इलास्टिक प्लास्टिक कर्व बनाए, ठीक है, तो ये केस होगा। दिस इज आवर आइडियल बिहेवियर, सो दिस केस विल बी आवर केस वन, डेट इज प्लास्टिक। ठीक है, मतलब जो भी मेरा सेक्शन है प्लास्टिक के केस में, ये फुल्ली स्ट्रेस्ड है। FY, FY, okay. Now, second one is compact. That is our class 2. अब compact क्या है? So it is cross section which can डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बट हैव इन एडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म बिफोर बकलिंग। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लास्टिक मूवमेंट को अचीव कर लेता है। इफ दिस इज आवर लाइन ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है, तो इस प्लास्टिक मूवमेंट के जोन में आ जाएगा, लेकिन इसमें जो प्लास्टिक हिंज डेवलप हो नहीं पाता है, ठीक है, तो रोटेशन कैपेसिटी, ठीक है, बिफोर, तो ये बकलिंग से पहले ही ये क्या होता है, मतलब इसमें क्या है, प्लास्टिक हिंज एडिक्वेट डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए प्लास्टिक मैकेनिज्म बकलिंग से पहले ही फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज आवर केस ऑफ कॉम्पैक्ट, डेट इज क्लास 2। नाउ थर्ड वन इज सेमी कॉम्पैक्ट, डेट इज अवर क्लास 3। सो सेमी सेमी कॉम्पैक्ट इज क्रॉस सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, बट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस।
ड्यू टू लोकल बकलिंग। ठीक है, तो ये क्या केस है कि क्रॉस सेक्शन इन विच एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रिच यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, इस ये जो एक्सट्रीम फाइबर है दिस वन, ये यील्ड स्ट्रेस को अचीव कर ले रहा है। ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेस में आ जा रहा है, लेकिन इट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग। और इसी समय यहाँ पर लोकल बकलिंग हो जाता है, जिसके कारण ये प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस को रीच नहीं कर पाता है। सो ये मेरा कौन सा केस हो गया? तो इफ दिस इज आवर एम वाई, दिस पॉइंट इज एम वाई, सो दिस ये क्या है, यील्ड स्ट्रेस रीच कर लिया, मतलब दिस पोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी कॉम्पैक्ट, दैट इज आवर क्लास 3। नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन इज सिलेंडर, क्लास 4। ठीक है, सो दीज आर द क्रॉस सेक्शन इन विच द एलिमेंट बकल लोकली इवन बिफोर अटेनमेंट ऑफ यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब ये वैसा क्रॉस सेक्शन है जिसमें जो मेरा बकलिंग होगा वो बहुत पहले हो जाता है यील्ड स्ट्रेस से, मतलब समथिंग लाइक दैट, दिस इज आवर सिलेंडर, दिस इज आवर सिलेंडर पोर्शन, दिस इज सेमी कॉम्पैक्ट, दिस इज कॉम्पैक्ट एंड दिस इज प्लास्टिक। ठीक है, और क्लास 4, अब ये जो भी मेरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको हम लोग 3 बेसिस पे किए थे। ठीक है, जिसमें एक वीक एक्सिस के अबाउट बकलिंग था, एक प्लास्टिक कंसिडरेशन था और एक इलास्टिक कंसिडरेशन था। तो ये सब क्या है, तो दिस आवर दिस इज आवर रोटे मोमेंट रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मोमेंट रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग ये चारों चीज को क्लासिफाई करते हैं। ओके, नाउ अब क्या है कि ये एफ वाई अचीव कर लिया, ये भी एफ वाई अचीव कर लिया। इफ अब क्या है, इसमें अगर कुछ फाइबर एफ वाई अचीव किया करे और कुछ फाइबर प्लास्टिक जोन में आ जाए, सॉरी मीन्स लाइक डैट। तो ये पार्टिकुलर फाइबर क्या है, ये प्लास्टिक जोन में है। ठीक है, और इस ये क्या है, आवर प्लास्टिक कंसिडरेशन। तो जो मेरा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है वो ऐसा है, क्लास 3, डेट इज आवर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। ठीक है, ये जो एक्सट्रीम फाइबर है ये तो एफ वाई को अचीव कर ले रहा है, लेकिन
ड्यू टू इलास्टिक कंसिड्रेशन प्लास्टिक मोमेंट ऑफ कैपेसिटी प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, सो गाइज डेट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल मीट विथ सम न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गॉड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। नमस्कार।